दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर सुम्बुल तौकीर खान और शिव ठाकरे के बीच एक बार फिर से काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सदस्य घर के एविक्शन को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीकेंड का वार एपिसोड आने वाला है और इस बार वीकेंड के वार को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते शिव ठाकरे खुद भी नॉमिनेटेड है। इसके अलावा प्रियंका चौधरी, शालीन बनोट और टीना दत्ता नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर शिव ठाकरे ने सुम्बुल से बातचीत की और कहा कि तुझे क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट बेगर हो सकता है। जिसके बाद दोस्तों, पहले तो सुम्बुल ने कहा कि पहले तो मैं सबसे पहले इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इस हफ्ते मैं नॉमिनेट नहीं हुई, वरना भाई किसी भी हफ्ते में ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों ने मिलकर मुझे नॉमिनेट ना किया हो, पता नहीं ही इस बार मैं किस तरीके से बच गई। इसके बाद सुम्बुल ने ये बताया है कि घर के अंदर देखा जाए तो इस हफ्ते चारों जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है उनमें से टीना जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सुम्बुल ने साफ तौर पर कह दिया है कि टीना का कंटेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, उसके पास करने को कुछ भी बाकी नहीं बचा है। उसने इस घर के अंदर हर चीज़ ट्राई कर ली है, फेक रिश्ता भी बनाया और रिश्ते को तोड़ कर लड़ाई झगड़े भी कर लिए, लेकिन उससे कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है, उसका गेम ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है कि टीना दत्ता इस बार घर से बेघर होगी। और ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं शिव ठाकरे को भी काफ़ी राहत की सांस मिली। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट यानी कि शिव ठाकरे, प्रियंका चौधरी, शालीन बनोट और टीना दत्ता में से इस हफ्ते कौन सा कंटेस्टेंट बेघर होना चाहिए? आप हमें अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।